तो गाइस मैं सुमन, आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो, और सुमन टेक्नो की और एक एक्साइटिंग वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। गाइस मोटोरोला ने इंडिया के अंदर एक फोन लॉन्च कर दिया जो कि मोटो G6, और गाइस जिस प्राइस में मोटो G6 लॉन्च किया उसी प्राइस में इंडिया में दो फोन अभी भी क्लियर है जो कि रेडमी नोट 5 प्रो और हवाई P20 लाइट। गाइस मैं आज इस तीनों फोन को कंपेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इस तीनों फोन से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। गाइस बात करते हैं पहले इस तीनों फोन के मेन पॉइंट से यानी कि डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5.84 इंच का 19:9 डिस्प्ले नॉच के साथ आपको देखने को मिलेगा हवाई P20 लाइट में। वहां पे Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलेगा 5.99 इंच का 18:9 वाला डिस्प्ले, Moto G6 में आपको देखने को मिलेगा 5.7 इंच का 18:9 वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, और तीनों फोन में ही आपको फुल HD प्लस 1080x2160 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। हवाई P20 लाइट में आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सपोर्टेड नहीं मिलेगा, और Redmi Note 5 Pro में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सपोर्टेड मिलेगा लेकिन कौन सा ग्लास वो स्पेसिफाइड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं Moto G6 के बारे में, तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बॉडी की, तो यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में फ्रंट में ग्लास एल्युमिनियम फ्रेम और प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा। वहाँ पे Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में ग्लास एल्युमिनियम बॉडी, और उसके बाद Moto G6 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक साइड में दोनों में ही आपको ग्लास मिलेगा और एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा। उसके बाद वेट की बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में आपको 145 ग्राम देखने को मिलेगा, जहाँ पे Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलेगा 181 ग्राम, और Moto G6 में आपको देखने को मिलेगा 167 ग्राम। वहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में हाई सिलिकॉन किरिन 659 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4 कोर रन करता है 2.36 गीगाहर्ट्ज में और 4 कोर रन करता है 1.7 गीगाहर्ट्ज में। Redmi Note 5 Pro की प्रोसेसर की बात करते हैं यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहाँ पे ए एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 1.8 गीगाहर्ट्ज में रन करता है। वहाँ पे Moto G6 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 1.8 गीगाहर्ट्ज में रन करता है। वहाँ पे GPU के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हवाई P20 लाइट में आपको Mali-T 830 MP3 GPU देखने को मिलेगा, जहाँ पे Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलेगा Adreno 509, और वहाँ पे Moto G6 में आपको देखने को मिलेगा Adreno 506 GPU देखने को मिलेगा, और हवाई P20 लाइट और Moto G6 में आपको Android Oreo आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे Redmi Note 5 Pro में आपको आउट ऑफ बॉक्स नॉकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस Oreo अपडेट मिल जाएगा Redmi Note 5 Pro में। उसके बाद तीनों फोन के कैमरे के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में आपको 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे 16 मेगापिक्सल कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ है और 2 मेगापिक्सल कैमरा डेप्थ एनेबल करने के लिए है। Redmi Note 5 Pro की बात करते हैं यहां पे आपको 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे 12 मेगापिक्सल कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ आता है और 5 मेगापिक्सल कैमरा F2.0 अपर्चर के साथ आता है, और जो 5 मेगापिक्सल कैमरा वो डेप्थ एनेबल करने के लिए है। और Moto G6 के बारे में बात करते हैं यहां पे आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे 12 मेगापिक्सल कैमरा F1.8 अपर्चर के साथ आता है और जो 5 मेगापिक्सल कैमरा वो F2.2 अपर्चर के साथ आता है, और यहां पे आपको लो लाइट में अच्छा खासा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रंट कैमरे की बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में आपको 24 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि F2.2 अपर्चर के साथ आता है। वहाँ पे Redmi Note 5 Pro की बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे F2.2 अपर्चर के साथ आता है। उसके बाद बात करते हैं Moto G6 के बारे में, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टोरेज की बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में 4GB और 64GB वेरिएंट देखने को मिलेगा, और Redmi Note 5 Pro में आपको दो वेरिएंट जो कि 4GB 64GB 6GB 64GB देखने को मिलेगा। वहाँ पे Moto G6 में आपको दो वेरिएंट 3GB 32GB और 4GB 64GB वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बैटरी की बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट और Moto G6 में आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, और Redmi Note 5 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा जो कि एक पावरफुल बैटरी है। उसके बाद प्राइस की बात करते हैं यहाँ पे आपको हवाई P20 लाइट में 9999 यानी कि आपको 20,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे Redmi Note 5 Pro में आपको 4GB वेरिएंट 4GB 64GB वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 15,000 रुपीज़ में, और 6GB 64GB वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 70,000 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे Moto G6 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको 3GB 32GB वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 40,000 रुपीस में, और 4GB 64GB वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 60,000 रुपीस में आपको देखने को मिलेगा। गाइस अब बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। गाइस आप अगर नॉच और सेल्फी कैमरा चाहते हो तो आप हवाई की तरफ देख सकते हो, अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा खासा चाहते हो, प्रोसेसर एक बढ़िया प्रोसेसर जो कि एक अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है और चाहते हो, और परफेक्ट पोर्ट्रेट मोड चाहते हो तो आप Redmi Note 5 की तरफ देख सकते हो। जी Moto G6 मत लीजिए, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 वो आपको Redmi 5 में देखने को मिलेगा, जो कि आप 9000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। तो आप Moto G6 की तरह मत जाइए, आप चाहो तो Redmi Note 5 Pro ले सकते हो। अगर आपको Redmi Note 5 Pro नहीं मिलता तो आप Huawei P20 Lite की तरह आप देख सकते हो। ये था मेरे बेस्ट ओपिनियन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको कौन सा फ़ोन पसंद है, और शेयर कर देना आपके फ्रेंड के साथ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाई।